पांडिचेरी इंटरेस्टिंग है। पांडिचेरी एक हाउस पार्टी में गया, वहाँ पे मतलब मैं देखा, पहली बार अपनी जिंदगी में देखा एक लड़की हाउस पार्टी में आई थी अपने कुत्ते के साथ, एंड आई वाज लाइक यार इसने तो मतलब मेरा सोशल क्राइसिस ही सॉल्व कर दिया। बिकॉज मैं कहाँ पे नहीं जाता, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ पहला सवाल ये होता है किसके साथ आए हो, और मैं हर जगह अकेले जाता हूँ। तो कुत्ता बेस्ट है यार ये चीज के लिए, खत्म, ये आइस ब्रेक हो गया, किसके साथ आए हो दिख नहीं रहेगा। है भाई, मैं इतना इंप्रेस हो गया वो लड़की से, मैं मिलने गया उसे, मैं बोला आई हैव नेवर सीन समवन कम टू अ हाउस पार्टी विद देयर डॉग। उसने बोला दिस इज नॉट माय डॉग। तो बोला हूज डॉग इज इट, बट यू नो ना, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, लाइक दिस इज नॉट माय डॉग डॉग, लाइक इट्स नॉट, लाइक इट्स नॉट माय प्रॉपर्टी, इट्स नॉट लाइक आई जस्ट पुट अ लीश ऑन हिम एंड टेकन एनीवेयर, लाइक इट्स नॉट लाइक आई एम अ डॉग पेरेंट। मैं आया था मिलने सोच के कुछ रिफॉर्म चल रहा है सोसाइटी का, और आपको माँ बाप बनने में इंटरेस्ट है, मतलब मैडम इसको हमारी भाषा में पेरेंटिंग नहीं कहते हैं, हम लोग इसको अकेलापन बोलते हैं, तन्हाई। चार गानों के बाद खुद के साथ अंताक्षरी ना खेल पाना। जैसे ही लूडो का गेम खत्म हुआ वापस उल्टा कर देना। ये पेरेंटिंग कैसे हुई यार, ये कुत्ता है आपके साथ है, बाहर है, खुश है, आप ये कुत्ते से कुछ नहीं चाहते, ये कैसी पेरेंटिंग है? आप कल आप चाहते हो क्या ये जब कुत्ता चले तो आपका सोशल कैपिटल चल रहा हो, ऐसे सब लोग बोले ये इसका कुत्ता जो चलता ना वो, ये और कुत्ता ऐसा नहीं चलता, कैसी पेरेंटिंग है आप, कुछ नहीं चाहते कुत्ते से, भेजो पहले कुत्ते को 400 और कुत्तों के साथ रैंक निकालने, सुबह से दोपहर वापस आए तो भेजो ट्यूशन पे 16 कुत्तों के साथ, शाम को खेलने जाए तो बोलो उसको जो जो कुत्तों के साथ तू खेलता है ना एक दिन सब तुझसे आगे होंगे, कभी कभी तो मुझे लगता है तू मेरा कुत्ता ही नहीं है। और सुन, किसी मुसलमान घर की कुतिया लाया ना, बिना पट्टे के गुलाम। आपका पट्टे वाला इंडिपेंडेंट है, रस्ते पे आप कुत्ते के साथ घूमते हो तो कौन किसको घुमा रहा है, कुत्ता आपको घुमा रहा है, उसकी क्यूरियोसिटी के हिसाब से सब होता है, इधर को ये ट्रक के पीछे देखना है क्या हो रहा है, कुछ खास तो नहीं है। बच्चे के पास ये ऑप्शन है क्या, बच्चा चल रहा है मां के साथ, मम्मा ये बड़े ट्रक में से ये सैंड पूरा एक बार गिरेगा क्या, देखते ना कुत्ता मतलब कुछ भी चल रहा है। आपके और पेरेंट्स के गोल ही मतलब अलग ही है कुछ, मतलब पेरेंट्स के गोल सिंपल है, सेक्स ना हो, वंश आगे बढ़े। आप लोग कुत्ते के गोटे कटा देते हो फिर बोलते हो प्रॉपर्टी नहीं है, कैसे होता है समझ में नहीं आता, मतलब सब थोड़ा ट्रिकी। मैं अपने दोस्त के घर पे गया, ठीक है, वो 35 इयर्स ओल्ड है, उसका एक 3 साल का बच्चा था, वो गया मैं उसके घर पे, वो 3 साल का बच्चा प्लेन लेके तेरा बच्चा ये प्लेन के साथ बाइक का आवाज क्यों निकल रहा है? रुक रे, रुक रुक। ए अंकल है, 10 साल के बाद है, 10 साल के बाद मिल रहे अंकल को, चुप रे, 10 मिनट एकदम चुप, एकदम 10 मिनट यार, 10 मिनट। बच्चा बैठा है, मैं बाप साथ रही हूँ, 10 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, पे माँ बोला चल यार सिगरेट पीते हैं फिर निकलते हैं, ये अभी क्या सिंपल। दूसरे दोस्त के घर पे गया, कुत्ता है, मेरे हाथ में खाना है, कुत्ता मुझ पे चढ़ रहा है और वो मुझे अडेप्ट करने बोल रहा है।
संभाल लिया संभाल, एक खाना उससे दूर ले, खाना उससे दूर ले, कोने में मत जा, कोने में मत जा, स्टिफ मत हो, स्टिफ स्टिफ मत हो, स्टिफ मत हो, अकड़ मत, अकड़ मत, डर मत, डर मत, वो तेरा फियर स्मेल कर सकता है, तेरा फियर वो स्मेल कर रहा है, तेरा फियर स्मेल कर सकता है तो मेरे घोटों के पास क्या कर रहा है? 10 मिनट इसको बाथरूम में लॉक क्यों नहीं करता? बाथरूम में कैसे लॉक करूं दोस्त? कुत्ता है, बच्चा थोड़ी जो है। I don't know man, क्या हो रहा है? मतलब कुत्ते वालों की जिंदगी में ना, उनका कुत्ता कुत्ता नहीं है और हम सब कुत्ते हैं। मेरा एक दोस्त है लॉयर, उसने फोन किया मेरे को बीच में, बोला भाई 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 तेरे को पता है ये एक सेटलमेंट चल रहा है मेरे यहाँ डिवोर्स का, कुत्ते के लिए 70 लाख दे रहा है भाई, 70 लाख कुत्ता रखने के लिए। क्या चूतिया आदमी है ना। मैंने बोला भाई तेरे को इसमें वो दिख रहा है, तू अपने आप को देख, तू उसका लॉयर है, तेरे को 15,000 दे रहा है वो पर ईयर। मतलब भारत में एक पालतू कुत्ते का एक क्वालिफाइड लॉयर से ज्यादा इज्जत है। तू ना हमेशा मूड ही खराब करेगा।